500 करोड़ की फिल्म पुष्पा 2 बनाने में मेकर्स को हो रही है परेशानी। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पुष्पा को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था, जिसके बाद से फैंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं और अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल खबर आ रही है कि 500 करोड़ के बजट पर बन रही इस फिल्म के मेकर्स को बनाने में परेशानी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर सुकरम ने पुष्पा 2 के लिए 2 शूटिंग लोकेशन फाइनल की थी। इसमें से एक आंध्र प्रदेश के गांव मारे दुमली में है, जहां पर इसका पहले पार्ट की शूटिंग की गई थी। हालांकि डायरेक्टर इस जगह को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। वो अपने इस फिल्म के दूसरे पार्ट में कुछ नया दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो नाखुश हैं। पता चला कि वहां भारी बारिश हो रही है, यही वजह है कि इस लोकेशन पर मेकर्स काम नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी लोकेशन की बात करें तो डायरेक्टर की नजर में उस लोकेशन पर जहां रामचरण की रंगस्थमल की शूटिंग हुई थी, फिलहाल फ्लोरम प्रोजेक्ट के कारण इस जगह भी शूटिंग होना मुश्किल है। अभी तक पुष्पा 2 की शूटिंग के लिए मेकर्स को जगह नहीं मिल पाई जैसी वो चाहते हैं। वहीं कुछ दिन पहले पुष्पा 2 को लेकर एक खबर सामने आई थी कि मेकर्स ने इस फिल्म का बजट भी सेट कर दिया है। इसकी शूटिंग जुलाई के आखिरी में शुरू होगी। इतना ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म का पहला पार्ट के मुताबिक इसका दूसरा पार्ट काफी जबरदस्त होगा। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आप कितने एक्साइटेड हैं? जो भी आपकी राय है आप कमेंट करके बताइए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही शानदार बॉलीवुड से जुड़ी न्यूज़ जानने के लिए।